दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आप इस चैनल पे। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, यह इन्फॉर्मेशन मिथिला विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम के वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जिनका सेशन 2020 से 23 है। छात्र छात्राओं के पार्ट वन के प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर का एग्जाम पहले ही हो चुका है। अब ये छात्र छात्राएं अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और इसी के साथ साथ सबसे ज्यादा मात्रा में जो कॉमेंट आ रहा है, पार्ट टू में एडमिशन की प्रक्रिया कब से चलेंगे और कब तक चलेंगे। और भी आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर पार्ट टू के लिए एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें और कहां से करें, क्योंकि हम लोग पार्ट वन के एग्जाम्स पहले ही दे चुके हैं तो अब पार्ट टू की तैयारी तो करनी पड़ेगी। और कमेंट आ रहा है कि सर जिस प्रकार से आपने पिछले सत्र के छात्र छात्राओं के लिए गिवअवे अनाउंसमेंट रखे थे, तो हम लोगों के लिए गिवअवे अनाउंसमेंट कब रखेंगे, ये भी आप लोगों का कमेंट आ रहा है। तो इस वीडियो में सभी बातें मैं स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को सभी जानकारी समझ में आ जाए। सबसे पहले जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं गिवअवे अनाउंसमेंट को लेकर के। तो गिवअवे अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाले हैं, हाँ, और सभी छात्र छात्राओं को रेखा प्रकाशन का गेस्ट पेपर ही मिलने वाला है। जो भी छात्र छात्राएं हैं जिसमें पार्ट वन के छात्र छात्राओं के लिए 30 और पार्ट टू के लिए भी 30 और पार्ट थ्री के छात्र छात्राओं के लिए भी 30 गेस्ट पेपर का अनाउंसमेंट होगा, उनके सभी ऑनर्स के और जनरल सब्जेक्टों के साथ होगा। सभी मतलब सेट उसको दे दिया जाएगा जो विनर होंगे, ठीक है। तो ये 15 से 20 तारीख के अंदर जो है ना आप लोगों को गिवअवे अनाउंसमेंट हो जाएगा। आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है और वीडियो कैसा लगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। अनाउंसमेंट करूंगा उस वीडियो में करिएगा। अब देखिए आप लोगों को अपने एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी है। तो एग्जाम्स की तैयारी आप लोगों को जिस प्रकार से पार्ट वन में रेखा प्रकाशन गेस्ट पेपर से किए होंगे ना, तो आप लोगों को जो है अनुभव मिल गया होगा। उसी प्रकार से आप लोगों को मार्केट में रेखा प्रकाशन गेस्ट पेपर मिल जाएगा, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। और सबसे जो मेन तरीका होता है कि पिछले 5 सालों के क्वेश्चन को उठाइए और जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, वो भी आप लोगों के बेस्ट अंक दे देते हैं। फिलहाल किताब से बढ़कर तो कोई नहीं होता है और अच्छा अंक लाने के लिए गेस्ट पेपर भी इस यूनिवर्सिटी के लिए जो है कम्फर्टेबल ही है। तो आपके मार्केट में रेखा प्रकाशन गेस्ट पेपर मिल जाएगा, आप लोग ले लीजिएगा। उसका क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा आप लोगों को और उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो रेखा प्रकाशन वाले का नंबर जो है मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप लोग उससे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग कहिएगा कि सर हम लोगों के पार्ट वन के रिजल्ट कब आएंगे। तो पार्ट वन के रिजल्ट के बारे में मैंने पहले भी अपडेट दिए हैं कि आप लोगों के रिजल्ट कब आने वाले हैं। तो फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह तक आ सकते हैं और नहीं आया तो मार्च महीने के प्रथम या द्वितीय सप्ताह तक रिजल्ट जा सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मिथिला विश्वविद्यालय कब पार्ट वन वाले छात्र छात्राओं का रिजल्ट जारी करती है, क्योंकि अभी जो है ना समय लग सकता है, अपडेट आया है, जो नया अपडेट है उसने, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम अपडेट मैं आप लोगों को दे ही दूंगा, ठीक है, चैनल पे बने रहिएगा। विशेष कमेंट, पार्ट टू के लिए एडमिशन की प्रक्रिया कब चलेंगे, क्योंकि कुछ कॉलेज जो है एडमिशन ले रही है। तो देखिए आप लोगों को घबराना नहीं है, शांतिपूर्वक सुनिए। अगर आपको जानकारी है कि अभी हमारे कॉलेज में पार्ट टू के लिए एडमिशन चल रही है, ठीक है, तब आप लोगों को एडमिशन ले ले रही है, ठीक है, जानकारी है तब। अगर नहीं जानकारी है तो घबराना नहीं है, एक रत्ती भी घबराना नहीं है, ठीक है। आपके पार्ट टू में एडमिशन की प्रक्रिया तब तक चलेंगे जब तक आपके सेशन जो 20 से 23 है पार्ट टू का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कराए जाएंगे, तब तक आप पार्ट टू में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि कॉलेज जो है अपने स्तर से डेट निकालती है तो सभी कॉलेज का अलग अलग डेट रहता है। मेन होता है पार्ट वन में एडमिशन लेना, ठीक है, उसके बाद पार्ट टू और पार्ट थ्री आपके कॉलेज अपने स्तर से एडमिशन लेती है। तो जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम दे ही दूंगा। मेन मुद्दा आप लोग समझ गए कि आपके कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही होगी तो आप लोग को एडमिशन ले लेना है, और नहीं चल रही है तो घबराना नहीं है, और या जानकारी नहीं है तो घबराना नहीं है। आप पार्ट टू का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके भी आप पार्ट टू में एडमिशन ले सकते हैं अपने कॉलेज में जाकर के, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पार्ट टू के जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो मार्च महीने से शुरू हो जाएंगे बहुत सारे कॉलेज में। तो मैं जिस प्रकार से कॉलेज वाइज लिस्ट बना करके आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज बताता हूँ कि इस कॉलेज में एडमिशन चल रही है, कितने तारीख तक चलेंगे, वो सभी चीज मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा। आप लोगों को घबराना नहीं है, चैनल पे बने हैं तो काहे घबराइएगा, ठीक है।
अपडेट चाहिए, मैं टाइम टू टाइम अपडेट देते ही रहता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।